सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोगों को सीवी फोटो एडिटिंग करने के लिए सिखाएंगे, वो भी फुल एचडी क्वालिटी में। अभी तक कोई आपको ऐसा कुछ एडिटिंग करने के लिए नहीं सिखाया होगा, वो अभी आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से एडिटिंग हुआ है मेरा फोटो। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह से हेयर एडिटिंग करने के लिए सिखाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोग देख सकते हो फुल एचडी क्वालिटी में एडिट हुआ है मेरा फोटो। तो आपको जो भी इसमें पीएनजी ऐड किए हैं वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसमें बहुत ही बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से कलर चेंजिंग करने के लिए भी बताएंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन को ऑल पे कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह से रियल फोटो दिख रहा है, और फेस आप देख सकते हो कितना ब्लैक टाइप पर दिख रहा है, और एडिट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो भी आप फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद उसको शेयर कर लेना सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो वहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो बहुत ही बवाल तरीका का ही प्रीसेट है, वो एक क्लिक में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फेस को गोरा कर देता है। तो सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना फोटो शेयर करने के बाद, और अपने रियल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपको प्रीसेट मिलेगा उसको भी आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा। सिंपली ये मेरा प्रीसेट है, तो इसका 3-डॉट लाइन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे बॉक्स खाली उसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीसेट कॉपी हो चुका है, और अपने जो फोटो शेयर किया होगा उसका 3-डॉट लाइन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत ही बवाल तरीके का इफेक्ट फोटो में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से दिख रहा है। तो फेस से कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो वाइट वाला ऑप्शन दिया उसका हल्का माइनस कर लेंगे, और ब्लैक वाला हल्का बढ़ा लेंगे। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो एक स्क्रॉल करके नीचे में एक ग्रेन का ऑप्शन होगा उसको कम कर लेना है फुल। इतना करने के बाद आपको फिर से लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ही कलर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। सिंपली जो भी मेरा बैकग्राउंड में यूज़ नहीं है वो कलर उसको हम लोग सेचुरेशन माइनस कर लेंगे कर लेना है। तो यहाँ पे आप फेस का लाइट थोड़ा कम कर लीजिएगा आप लोगों भी, अगर आपका फेस पे ज़्यादा लाइट आ जाए तो। यहाँ पे रेड वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और इसका सेचुरेशन हल्का माइनस हम लोग कर लेंगे, मतलब करीब 3 के प्लस रखना है। और उसके बाद यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से फोटो एडिटिंग हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से सिंपली अपने फ़ोटो को शेयर कर लेंगे बैकग्राउंड कटआउट करने के लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और अपने फोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो आज के वीडियो में आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से फुल सीवी एडिटिंग करने के लिए सिखाएंगे आप लोग कैसे कर सकते हो, और आप लोग कैसे बैकग्राउंड को कटआउट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो फुल एचडी क्वालिटी में मेरा फोटो एडिटिंग हुआ है। तो आपको बैकग्राउंड कटआउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल वाले ब्रश पे आ जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जोन सा हम पेंसिल आपको बताते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो सिंपली ये वाला जो पेंसिल है इसको सिलेक्ट करके, और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हो, अमाउंट इरेज्ड है उसको फुल रखना है, और साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना रखना है उतना। और उसके बाद बैकग्राउंड को अपने इरेज कर लेना है अच्छे तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड इरेज होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से वाइट वाइट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग सिंपली इतना वाइट करने का मतलब इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड पता चलता है कि कहाँ पर कटआउट हुआ और कहाँ पर नहीं। तो इसको पहले पूरा कटआउट कर लेने के बाद आपको पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो नीचे में आई वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको हम लोग क्लिक कर देंगे उस पर। तो आप लोग देख सकते हो ये पीएनजी में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना है, और वह भी फुल एचडी क्वालिटी में यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज होगा। तो आप लोग सिंपली पूरा बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग को बस इतना समझ में आ ही गया होगा कि आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा अभी तक, अगर बताए होंगे जो। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद जो अपना बैकग्राउंड कटआउट है उसको हम लोग इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे,
तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और जो यहाँ पे थोड़ा हेयर हमारा है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो आप लोग देखते हो ये PNG में कन्वर्ट है मेरा पहले से ही, तो इसको हम लोग इरेज करने के लिए वही ब्रश को यूज करेंगे, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे हेयर को। हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करने के लिए आप लोग को बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से आप लोग को फोटो एडिटिंग करने के लिए बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग बस फॉलो कीजिएगा। तो अब हेयर अपना एडिट करेंगे, उसके लिए आप लोग को सिंपली पेंसिल वाले ऑप्शन पे चले आना है, और आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करके आप लोग को इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, सॉरी कट गया, तो इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसका सेटिंग पे क्लिक करके आप लोग सेटिंग देख सकते हो, कुछ इस तरह से रखना है आपको, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको कटआउट यहाँ से बैक आ जाना है, और अपने हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करना है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से हेयर एडिटिंग हो रहा है मेरा, आप लोग का भी कुछ इस तरह से होगा ये हेयर, बस आप लोग को जैसा सेटिंग रखने के लिए बताएं वैसा आप लोग रख लीजिएगा। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से हेयर को एडिट कीजिएगा। तो आप लोग देखिए कितना ही बवाल अब फोटो लगने लगा है। तो जो भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट एक वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा से एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे जो मेरे न्यू हैं वो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन का बटन को ऑल पे कर लीजिएगा। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है कि आप लोग को बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड मेरा पहले से ही रिमूव है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी बैकग्राउंड जो भी मतलब इसमें यूज किए हैं PNG एंड बैकग्राउंड वो आपको मिल जाएगा। और इसको फोटो कुछ इस तरह से फुल अपने स्क्रीन पे कर लेना है फोटो पे, और उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे चले आना है क्लिक करके, और आपका जो बैकग्राउंड का मतलब ऐड किया उसको सिंपली थोड़ा कस के प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसको हल्का नीचे मतलब अपने फोटो को नीचे कर लेना है, तो आपको बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से कर लेना है आपको। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में एडजस्ट हो गया। तो आपका क्या करना है कि आपका फेस स्मूथ करना है। तो फेस स्मूथ करने के लिए आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पर चले आना है। तो आप लोग देख सकते हो फेस अभी स्मूथ नहीं किए हैं, तो आप लोग को फेस स्मूथ करने के लिए भी बताएंगे। तो आपको पेंसिल वाले ब्रश पर चले आना है, और लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना, और आपको इस वाले ब्रश को सॉरी सेलेक्ट कर लेना है, और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, और साइज अपने हिसाब से करिएगा जितना आपको साइज रखना है उतना। सिंपली इतना करने का जो अपना फोटो है उस पर PNG है उस पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद ही फेस स्मूथ होगा, और उसके बाद अपने फेस को स्मूथ करना है। तो आप लोग देखते हो कितना ही बवाल तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है, एंड जो फेस मेरा गोरा हुआ है वो कितना ही बवाल दिख रहा है फोटो। तो आप लोग प्रीसेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत ही वो वर्कफुल प्रीसेट है। तो साइज को अपने छोटे बड़े करके फेस स्मूथ कीजिएगा, और थोड़ा अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कीजिएगा, क्योंकि फेस स्मूथ अच्छा होने के बाद ही फोटो में गजब का लुक आता है। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो कर दिए हैं हम फास्ट, क्योंकि वीडियो ऐसे ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली अपना हम फेस स्मूथ कर लिए हैं, तो और भी जो भी इसमें फुल फेस स्मूथ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको इतना ही करके बता दिए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर लीजिएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, अभी और यहाँ पे एक दो PNG ऐड करेंगे, उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और इंपोर्ट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इस बार जो एटीट्यूड वाला जो PNG है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, और अपने फोटो भी जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इसका जो लेयर वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करके इस वाले PNG को सिलेक्ट किया हुआ पहले से तो उस पे टैप कर लेना, और इसका जो ब्लेंडिंग है वो हम लोग स्किन कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग को, स्किन करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना ही बवाल इफेक्ट आ गया मेरा फोटो में जो PNG ऐड हो गया उसके बाद। तो आपको फिर से वही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और फिर से एक PNG ऐड कर लेंगे,
तो आप लोग देखिए कितना भी बवाला फ़ोटो मेरा लगने लगा है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर से वही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और इंपोर्ट इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस वाले PNG को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद अपने ड्रेस के ऊपर कुछ हल्का बड़ा ही कर लेना है और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो लेयर वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक कर लेना होगा। इसके जो पहले से प्रोसेस की उसे वैसे ही और इसको कर लेना है मल्टीप्लाई। तो आप लोग देख सकते हो कपड़ा पर कितना ही बवाल तरीके का इफेक्ट आ गया है। जो मेरा शर्ट पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा। और फिर से वही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक आपको रेड शैडो मतलब सॉरी इसको हल्का बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको फिर से वही वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एक और रेड शैडो वाला जो PNG मिलेगा वो उसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ से इसको हल्का थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो इसका लेयर है उस पर क्लिक कर लेना है हम लोग को। लेयर पे आने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग है वो हम लोग कर लेंगे स्किन और यहाँ से इसको कुछ इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसे करके ट्रांसफॉर्म ऐसे करके था उस पर क्लिक करके इसको हल्का हम लोग बड़ा करेंगे क्योंकि कुछ रेड इफेक्ट आए मेरा ड्रेस पे तो और देखने में फ़ोटो बवाल लगेगा। सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। तो आप लोग देखते हो फाइनली मेरा फ़ोटो एडिटिंग हो गया और कितना ही बवाल ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते कितना ही फुल HD क्वालिटी में वो भी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट आप लोग कीजिए कि ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो आपके लिए ऐसा ही और वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। तो इसके बाद अपने फोटो को कर लेंगे सेव। तो इसके लिए सर्वल ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।